गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाए। बेटा आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। हम लोग का जो भी पढ़ चुके थे उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आगे के टॉपिक में आपका सबसे पहले हो जाएगा, आपकी क्लास हो जाएगी, क्लास फर्स्ट है पाइसेस। पाइसेस यानी फिशेज वर्ग, जो भी मत्स्य वर्ग है तो पाइसेस है। पाइसेस में बेटा दो सब क्लासेस हैं। पहला है कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस एक, या इसको बोलते हैं बेटा इलेस्मोब्रोंकाई, इलेस्मोब्रोंकाई फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस या इलेस्मोब्रोंकाई फिशेस इसको बोलते हैं बेटा। अब इसका हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात समझ लीजिए कि द स्टडी ऑफ पाइसेस कार्ड या एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको बोलते हैं इक्टोलॉजी। इक्टोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इक्टोलॉजी, मछलियों का अध्ययन करना इक्टोलॉजी कहलाता है बेटा। एक अब इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, दे आर मेराइन, समुद्री होते हैं, एंड एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जंतु हैं, जलीय जंतु हैं। एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा बेटा, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन का मतलब बेटा हो जाएगा शरीर धारा रेखित है। धारा रेखित का मतलब जिस धारा के हिसाब से पानी बहता है, कहने का मतलब क्योंकि ये जलीय जंतु है, मछलियां वगैरह जैसे की है, तो इनका शरीर भी उसी आकार का बना रहता है जिससे कि इन्हें तैरने में और मूवमेंट में मदद मिलती रहे रेगुलर। अगला पॉइंट हो जाएगा, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट विदाउट ऑपरकुलम, प्रेजेंट विदाउट ऑपरकुलम, विदाउट ऑपरकुलम का मतलब गिल के ऊपर जो कवर होता है, मतलब जो गलफड़ा होता है गिल के ऊपर, होंठ जैसा स्ट्रक्चर जो बनता है। देखिए बेटा, गिल के ऊपर गलफड़े के ऊपर इसमें होंठ जैसा स्ट्रक्चर जो बनता है वो उसको कहते हैं ऑपरकुलम। क्या बोलते हैं? ऑपरकुलम। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है उनमें ऑपरकुलम नहीं पाया जाता, यानी गिल कवर नहीं पाया जाता है। तो गिल्स गलफड़े प्रेजेंट है लेकिन गिल कवर उसमें उपस्थित नहीं है। ठीक, और ये मोस्टली कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा? वेंट्रल साइड। अगला पॉइंट हो जाएगा, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर इनके शरीर में नोटोकार्ड यानी नर्व कार्ड प्रेजेंट रहती है। नोटोकार्ड कह लीजिए, ठीक, या नर्व कार्ड कह लीजिए की बात है। तो नोटोकार्ड यानी रीढ़ की हड्डी जैसे स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, तो क्योंकि वो भाई इतनी मजबूत है नहीं, तो नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, वो हमेशा पूरी जिंदगी प्रेजेंट रहती है। समझ रहे हैं? जैसे कभी कभी मछली अगर तल के खाइए तो उसमें देखेंगे जो बोन्स होती है, तो बोन्स प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहता है बोन्स के ऊपर, ऐसे फिंस लगे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? पेल्विक फिन प्रेजेंट होता है इसमें,
पेल्विक फिंस प्रेजेंट, पेल्विक फिंस प्रेजेंट होता है। अच्छा अगले पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, जो चार पांच पॉइंट है समझ में आ रहे हैं, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम लोग, इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, एयर ब्लैडर का मतलब जिसमें हवा भर जाती है, जिसके थ्रू ये मछली को ऊपर उठा के बेटा मतलब तैरने में हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब एयर ब्लैडर अगर एब्सेंट है तो ये हमेशा तैरती ही रहती है, अगर तैरना इन्होंने कुछ समय के लिए भी बंद किया तो ये डूब जाएगी। तो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, इज एब्सेंट एंड इट एंड फिशेस स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अवॉइड सिंकिंग, ये पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है तो जो मछलियां हैं लगातार वो तैरती रहती हैं, सिंकिंग डूबने से बचने के लिए हमेशा लगातार वो तैरती रहती हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होता है। अब मेल में पेल्विक फिन पाया जाता है, मेल जो होता है पेल्विक स्ट्रक्चर रखता है, तो मेल जो होता है उसको बोलते हैं हिप, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लेस्पा। क्या बोलते हैं, लिखा है पॉइंट मेल है क्लेस्पा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है बेटा उसको क्या बोलेंगे क्लेस्पा। सेक्सेस सेपरेट है मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है, और जो मेल होता है उसमें एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जननीय संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्लेस्पा। क्या बोलते हैं क्लेस्पा, क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं। डायोसियस, हाँ बिल्कुल सही है, जब अलग अलग होंगे तो इसको डायोसियस बोलेंगे बेटा। अगला पॉइंट समझिए, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनाई, ये पॉइंट पर ध्यान दीजिए बेटा, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनाई इज अ स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट इन फिशेस, बस फिशेस में प्रेजेंट होता है, हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर, हेल्प इन डिटेक्टिंग टेम्परेचर इन वाटर, जल में तापमान को बनाए रखता है और तापमान कितना है उसको चेक करता है, तापमान कितना है उसको चेक करता है और बेटा उस टेम्परेचर को जल में बनाए रखता है। समझ रहे, ये पॉइंट है डिटेक्टिंग टेम्परेचर इन वाटर, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनाई हेल्प करता है इसमें। फिर फर्टिलाइजेशन इसमें हो जाएगा बेटा इंटरनल, कैसा होगा फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाएगा। तो जो बेटा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा इसमें, तो जैसे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है ठीक है वो बात सही है, इसमें कुछ होते हैं बेटा समा विविपेरस, समा विविपेरस का मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, मछलियां अंडे देती हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ एग्जांपल जैसे हैं बेटा वो एक्सेप्शन में है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा या बोला कि समा विविपेरस, विविपेरस का मतलब विविपेरस वो होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ओविपेरस वो होते हैं जो अंडा देते हैं। समझ रहे, याद कर लीजिए, जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उनको विविपेरस बोलेंगे, क्या बोलेंगे विविपेरस, जरायुज हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में जरायुज बोलते हैं, और इंग्लिश में विविपेरस बोलते हैं, जो एग प्रोड्यूस करते हैं अंडे प्रोड्यूस करते हैं तो उनको ओविपेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा ओविपेरस बोलते हैं। ओके, तो समा विविपेरस का मतलब इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा शार्क, कौन सा एग्जाम्पल शार्क हो जाएगा,
एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं हम लोग इसमें, एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे कि सम ऑफ देम है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, सम ऑफ देम कुछ क्या होती है मछलियों में से, इस जो क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन रखती है अपने पास, इलेक्ट्रिक ऑर्गन का मतलब उनको छुओ तो करंट लगता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन का एग्जांपल हो जाएगा टॉर्पीडो, कौन सी मछली, टॉर्पीडो मछली है जो कि कैसी होती है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, छूने पर करंट लगता है, तो ये टॉर्पीडो मछली हो गई। ओके अगला पॉइंट हो जाएगा समाप्त है इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो, बट सम है पॉइजनस स्टिंग, है पॉइजनस स्टिंग, पॉइजनस स्टिंग का मतलब हो जाएगा बेटा इसमें विषैला एक स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ा हुआ पाया जाएगा तो वो नुकसान करेगा, मतलब स्टिंग का मतलब क्या लीजिए आप, ठीक है, तो जो स्टिंग होता है वो नुकसान करता है, खतरनाक होता है कह लीजिए, ठीक, तो पॉइजन भरा होता उसमें, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्राइगोन, एग्जांपल क्या हो जाएगा ट्राइगोन, कौन सा एग्जांपल ट्राइगोन हो जाएगा, ओके अब हम लोग बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल की, इसकी बात करेंगे एग्जाम्पल की, सात आठ पॉइंट, नौ पॉइंट बताए हैं, बहुत है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे अच्छे पॉइंट बताया मैंने, हम लोग बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल्स की, चलो एग्जाम्पल देखो सभी बच्चे, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेजिनस पीसेस, सम ये एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस पीसेस, तो पहला हो जाएगा ट्राइगोन, इसको बोलते हैं स्टिंग रे, स्टिंग रे, दूसरा हो जाएगा टॉर्पीडो, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक रे, तीसरा एग्जांपल हो जाएगा इसमें स्कॉलियोडॉन, इसको बोलते हैं डॉग फिश, कुत्ता मछली, क्या बोलते हैं कुत्ता मछली, डॉग फिश बोलते हैं, अच्छा बेटा डॉग फिश इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसमें सूंघने की क्षमता होती है, सूंघने की क्षमता होती है, अगला हो जाएगा काइमेरा, इसको बोलते हैं रैबिट फिश, घोस्ट फिश या किंग ऑफ हेरिंग्स, किंग ऑफ हेरिंग्स, ये तीन चार नाम है इसके, जो कायमेरा मछली होती है उसके तीन चार नाम है, रेड फिश, रैबिट, रैबिट फिश, घोस्ट फिश, किंग ऑफ हेरिंग्स, ओके। फिर हो जाएगा अगला पॉइंट कॉर्कोरोडॉन, कॉर्कोरोडॉन का कहते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, शार्क मछली जो होती है, ठीक, द ग्रेट व्हाइट शार्क, व्हाइट शार्क, आखिरी पॉइंट हो जाएगा छठा नंबर एग्जांपल प्रिस्टिस, इसको बोलते हैं साफिस, आरी जैसी होती है जो मछली होती है, ये आरी जैसी होती है, इसको बोलते हैं साफिस, क्या बोलते हैं साफिस, जरा एग्जांपल देखिए सामने, सब समझ में आ रहा है पॉइंट, जल्दी से एक मिनट में देखिए फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बताइए,
स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अगला पॉइंट, मतलब ऑस्टिक्टिस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे? ऑस्टिक्टिस। ऑस्टिक्टिस को बोलेंगे हम लोग बोनिफिसेस या टीलियोस। टीलियोस बोलते हैं, बोनिफिसेस बोलते हैं। ऑस्टिक्टिस क्या हो जाएगा? देखो इसमें दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है। देखो बेटा मेराइन एंड एक्वेटिक, यानी मेराइन एंड एक्वेटिक का मतलब फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल वाली मछलियां जो है वो भी इसी में ऐड है। ठीक, मतलब ये जो ग्रुप है या आप कह सकते हैं बेटा इसको ऑस्टिक्टिस जो मछलियां है इसके अंतर्गत मैराइन समुद्री भी है और स्वच्छ जल में पाई जाने वाली भी है। बॉडी कैसी होती है? धारा रेखित। बॉडी स्ट्रीम लाइन। बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन होती है, धारा रेखित होती है। अगले पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें कि जो मतलब गिल्स होती हैं वो फोर पेयर प्रेजेंट होती हैं। फोर पेयर गिल्स आर प्रेजेंट, मतलब चार जोड़ी गलफड़े यानी गिल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। कितने जोड़ी बेटा? चार जोड़ी। अपर कुलम प्रेजेंट होता है विच आर कवर्ड बाय अपर कुलम। चार कवर्ड बाय अपर कुलम। अपर कुलम यानी गिल कवर पाया जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा चार जोड़ी गिल्स यानी गलफड़े उपस्थित होते हैं जो कि अपर कुलम यानी गिल कवर, जो गिल को कवर करने वाला स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है। ठीक है, या इसके थ्रू कवर रहते हैं। हमने इससे पहले बताया था कार्टिलेजिनस फिशेज में कि उसमें कौन सी स्केल्स पाई जाती है? प्लेक्वाइड स्केल पाई जाती है। याद रखिएगा कौन सी स्केल? प्लेक्वाइड स्केल पाई जाती है। जबकि इसमें दे है तीन ही टाइप की स्केल्स होती है मछलियों में। एक होती है प्लेक्वाइड स्केल, दूसरी टीनवाइड स्केल और अगली जो होती है उसका नाम है साइक्लॉइड स्केल। तो टीनवाइड का ही दूसरा नाम साइक्लॉइड है। तो आप कह सकते हैं कि एक प्लेक्वाइड है और दूसरा टीनवाइड या साइक्लॉइड है। या आप बैड ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्लेक्वाइड स्केल्स होती है वो पाई जाती है कार्टिलेजिनस फिशेज में, तो टीनवाइड जो है या साइक्लॉइड वो पाई जाती है इसमें। दे है टीनवाइड साइक्लॉइड फिशेस। दे हैव टीनोइड और साइक्लॉइड फिशेस, सॉरी फिशेस नहीं, स्केल्स, स्केल्स, स्केल्स। ठीक है, स्केल पाए जाते हैं टीनोइड और साइक्लॉइड स्केल पाए जाती हैं। दे हैव एयर ब्लेडर। इनमें बेटा वायु कोष यानी एयर ब्लेडर पाया जाता है जो कि इनको ऊपर उठाकर तैरने में हेल्प करता है। एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग बायोन्सी। प्रोवाइडिंग बायोन्सी का मतलब क्या होता है? बायोन्सी का मतलब हो जाएगा तैरने में मदद करेगी। प्रोवाइड बायोन्सी, तैरने में मदद करेगी। तो एयर ब्लेडर उपस्थित होता है और बायोन्सी प्रोवाइड करती है, तैरने में हेल्प करती है। हाँ वे पेरस होते हैं, बिल्कुल सही है बेटा। फर्टिलाइजेशन इसमें हो जाएगा एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल सेक्सेस सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग। चार पांच पॉइंट है बस, बहुत है। फोर पेयर गिल्स होती है, परकुलम से कवर्ड है, टीनोइड साइक्लॉइड स्केल रिलेटेड प्रेजेंट है, एक्सेस। ठीक है, ये हो गया। ज्यादा परेशान नहीं करें हम लोग को, ज्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कौन कौन सी है? मेराइन है, एक्सोसिटस है, हिप्पोकैम्पस। मेराइन में एक्सोसिटस, हिप्पोकैम्पस।
एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा। Bony fishes. एग्जाम्पल आप bony fishes, हाँ बता रहे बेटा, मैराइन है, दूसरा हो जाएगा फ्रेश वाटर, तीसरा हो जाएगा aquarium। तो तीन टाइप की मछलियां इसमें इंक्लूड हैं। इन्हीं के ग्रुप की मछलियां बेटा aquarium में भी रखी जाती हैं और फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में भी पाई जाती हैं और मैराइन यानी समुद्री होती हैं। तो जो समुद्री है उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सोसिटस, इसको उड़ने वाली मछली बोला जाता है, फ्लाइंग फिश। ओके, दूसरा इसमें हो जाएगा हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं बेटा सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा बोलते हैं, समझ रहे हैं। फ्रेश वाटर में हो जाएगा लेबियोरोहिता, रोहू मछली, दूसरा है कतला, कतला होता है इसका नाम है कतला, एक फिश है, तीसरा है मागुर, ये मछलियां होती हैं। एक कतला, कतला इसमें आएगी मछली और बेटा लेबियोरोहिता मतलब रोहू मछली और मांगुर, तीन टाइप की मछलियां है जो कि स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। एक्वेरियम में पाई जाने वाली दो मछलियां हैं, एक है टेरोफाइलम, टेरोफाइलम को बोलते हैं एंजल फिश, क्या बोलते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी फिश होती है देखने में, ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीटली अच्छा लगता है देखने में बेटा, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसको बोलेंगे टेरोफाइलम एंजल फिश, क्या बोलेंगे, टेरोफाइलम एंजल फिश। एक्वेरियम एक ही हो गया एंजल फिश, टेरोफाइलम, दूसरा हो जाएगा बेटा, हाँ सही है बेटा नाम है, ठीक है बेटा कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं फ्लाइटिंग फिश या फाइटिंग फिश, लड़ाकू मछली, फाइटिंग फिश बोलते हैं। टेरोफाइलम बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है, इसलिए इसको एंजल फिश बोलते हैं बेटा, बेटा जो होता है इसको कहते हैं, इस मछली को फाइटिंग फिश कहते हैं, मतलब लड़ाकू मछली होती है फ्रेश वाटर जो स्वच्छ जल में पाई जाती है, लेबियोरोहिता रोहू मछली है, आपके लैब में है, जब भी स्कूल का भी ओपन होगा अगर, ठीक है जब भी, तो बेटा प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा, आपको इसका लोडान देखने को मिल जाएगा, ठीक इसका लोडान उसमें आ जाएगा कार्टिलेजिनस फिशेज में, और कतला कतला है, मागुर है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस सिहास ये भी मिल जाएगा आपको लैब में, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश हाँ ये नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है क्योंकि ये उड़ने वाली मछली है लैब में नहीं है, एक्सोसिटस है। तो ये तीन चार एग्जाम्पल है, पांच एग्जाम्पल जैसे मिला के दो एग्जाम्पल हो गए, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल भी पूछता है एग्जाम में, एग्जाम्पल के अलावा बेटा उनका कॉमन नाम पूछता है, ठीक है, सामान्य नाम क्या होता है वो भी पूछता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, बोलिए आप सभी बच्चों को जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया, पाइसेस का एक ग्रुप खत्म हो गया, पाइसेस के दो ग्रुप थे, एक क्या था बेटा इक्टोलॉजी जो थी, इक्टोलॉजी को बोलते हैं ब्रांच ऑफ पाइसेस, या कह लीजिए बेटा स्टडी ऑफ पाइसेस कहलाता है, कौन सी ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग बायो के, इक्टोलॉजी, ओके पॉइंट हमें याद रखिएगा, इसमें तो पांच ही छह पॉइंट थे, उसमें से सात पॉइंट थे, ठीक है, ओके बेटा समझ गए, हाँ बेटा फिर चलते हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टर्न पे, जब भी आपका टर्न आता है आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना बेटा, आपको नोट्स आपके टर्न पे जरूर मिल जाएगा, ठीक, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय बेटा।